नमस्ते दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर जो हर जेई और एई लेवल के एग्ज़ाम में हमें देखने मिलता है और हमें हमेशा इस नंबर्स के रिलेटेड कन्फ्यूजन होती है। सो एक हम ट्रिक के माध्यम से इस पर्टिकुलर नंबर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो ये ट्रिक को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। पहला पार्ट कि रेनॉल्ड्स नंबर में अंडर रूट नहीं है, बाकी सारे नंबर्स में अंडर रूट है, जैसे कि योलस हो गया, वेबर्स हो गया, फ्रॉड्स हो गया, मैक हो गया, सब में अंडर रूट दिखेगा आपको, मगर रेनॉल्ड्स में अंडर रूट नहीं है। दूसरा पॉइंट कि न्यूमरेटर में हमेशा इनर्शिया फोर्स लिखा हुआ रहेगा, न्यूमरेटर में इनर्शिया फोर्स। अब तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेनॉल्ड्स के लिए विस्कस क्यू, योलस के लिए प्रेशर क्यू, वेबर्स के लिए सरफेस टेंशन क्यू। तो हम यहाँ पे कुछ कोरिलेट करेंगे, जैसे कि रेनॉल्ड्स गए इंडस्ट्रियल विजिट, रेनॉल्ड्स गए इंडस्ट्रियल विजिट, वी फॉर विजिट, वी फॉर विस्कस फोर्स, किससे मिलने, योलस से मिलने। योलस बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो मैथमेटिशियन भी है, फिजिसिस्ट भी है, एस्ट्रोनॉमर भी है। पी फॉर पर्सन, पी फॉर प्रेशर फोर्स, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। फिर वेबर्स नंबर, अभी स्पाइडरमैन क्या करता है, सरफेस के ऊपर वेब छोड़ देता है और लटक लटक के जाता है, वो लटकते वक्त उसे टेंशन आता है, सरफेस टेंशन। या ऐसा भी हम रख दिमाग में रख सकते हैं कि स्पाइडर जो है, स्पाइडर वेब जो है, वो पानी के ऊपर चल रहा है विद द फिनोमिना और विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉड्स नंबर, अभी जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं वो जी टर्म रिलेटेड है, उसमें 2G स्कैम, 3G स्कैम, सो जी फॉर ग्रेविटी फोर्स। और लास्ट इज व्हाट, मैक। मैक को अगर मैं एक मुक्का मार दूं यहाँ से तो वो गिर जाएगा, ऐसा इधर से अगर मुक्का मार दिया तो ये गिर गया। सो ई जैसा प्रेडिक्ट हो रहा है, सो ई फॉर व्हाट, इलास्टिक फोर्स। सो इस तरीके से ये नंबर्स को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।